बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, दुआ करते हैं कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। तो प्यारे दोस्तों, घर का काम अभी ख़त्म किया है इंशाल्लाह, तो देखते हैं कि हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। ये जो छोटी सी एक नाली सी बनानी थी, क्योंकि यहाँ से पानी लगाना है, वो जो खाल था ना घर के साथ साथ, वो हमने ख़त्म किया था। वहाँ से अब पानी नहीं लगाएंगे, यहाँ से पानी लगाएंगे। यहाँ से पानी आएगा और फिर यहाँ से टुक्का लगा कर ना, जिसको एक छोटा सा कहते हैं बांध, आगे से बांध कर। तो इरादा तो है कि यहाँ पर एक छोटा सा जिसको यानी कि मोगा कहते हैं हमारी ज़बान में, वो रख दें, यानी एक छोटा सा सीमेंट वाला वो रख दें। तो इंशाल्लाह वहाँ तक, क्योंकि इसके दो हिस्से करेंगे ना, तो परली साइड वाला हिस्सा घास का बनाएंगे और इस साइड वाला गंदम का। तो प्यारे दोस्तों, अभी कुछ पौधे खड़े हैं, ये देखें आपके सामने। ये अभी बकरियों वालों ने सफ़ा नहीं किए, ये साफ़ हो जाए ना तो फिर इनको भी यहाँ पर भी गंदम काश करेंगे। तो पहले ये बना लें। कुछ छोटे जो कीकर के पौधे थे वो मैंने साफ़ किए थे, वो साफ़ हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह प्यारे दोस्तों, आपकी आंटी बनाने गई हैं घास, तो वो घास बना कर आती हैं और फिर मेरा हाथ बटाएंगी। अभी मैं यानी ऐसे करके काम कर रहा हूँ ऐसे करके, क्योंकि फिर मट्टी आती है। और जो मास्क था वो बच्चे ले गए। तो इंशाल्लाह काम ख़त्म करते हैं और प्यारे दोस्तों फिर आपसे बैठ कर ना गपशप करेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, बेगम साहबा ने कपड़े धो लिए, आज काफ़ी मेहनत की है। तो प्यारे दोस्तों, काम तो फिर काम है, करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो व्लॉग का आगाज हो चुका है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों ये देखें सारा दिन काम करते रहे हैं, सफाई भी की है, साफ किया है, पानी भी छिड़काव किया है। और अभी वो जगह बाकी है, देखें वो जगह जो है ना, वो जगह साफ करनी है। कल फिर वो जगह साफ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं भी आज मैंने भी काम किया, जगह भी साफ करनी है। हाँ, जानवरों की जगह भी साफ करनी है। तो जिशान और उनकी सिस्टर दोनों आने वाली हैं। उन्होंने अभी कहा है, फोन किया है कि हम पहुंचने वाले हैं, तो आप खाना जो है वो तैयार करें। हाँ, चलो तो फिर खाना, मैं चलती हूँ किचन में और खाना तैयार करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मौसम आज ऐसे समझ लो, आज काफी ज्यादा गर्मी थी, काफी ज्यादा गर्मी। हाँ जी, ऐसा है। हाँ, तो जो हमारा सीन है उसमें अभी भी पानी है, क्योंकि शोर ज़मीन है ना, तो शोर ज़मीन पर पानी काफ़ी देर के बाद जज़ब होता है। तो आपकी आंटी बना आटा गूंद रही हैं। हैं जी, आज क्या बनाएंगी? आज तो सब्जी थोड़ा सा चिकन। आज जीशान आ रहे हैं। अच्छा, आज भाई जीशान आ रहे हैं। आपके अंकल कहते हैं कि आपको जीशान ज्यादा जिशान की ज्यादा फिक्र होती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा एक ही चिराग है, फर्क है प्यारे दोस्तों, फर्क तो है। ऐसी जब बात वो चला जाता है तो घर में कुछ भी रौनक नहीं होती। तो पता नहीं वो चले जाएंगे तो कैसे दिल लगेगा, क्योंकि औलाद हर माँ बाप को प्यारी होती है। तो प्यारे बहन भाई, औलाद के बिना तो यानी के दोनों मियाँ बीवी अधूरे हैं। औलाद है, अल्लाह ताला ने दी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हमें औलाद से अल्लाह ताला ने नवाजा है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, असल में मैं बात करना चाहता था कि देखें, जिशान आ रहा है तो उनको चिकन खिलाया जा रहा है, और हमें हाँ जी कभी पालक, हर रोज आपके अंकल की मेरी और लड़ाई होती है कि आप जिशान की ज्यादा फिक्र करती हैं। चलो चलो बनाओ फिर। हैं, ये देखें जी, आलू बनाए जा रहे हैं, और ये देखें आपके अंकल ये धनिया लेकर आए। यार, ये देखें
यार क्या करें। और ये देखें ये हैं तो अच्छा पता है ये दो मिर्चे कितने वो भी गिर गई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 रुपए की एक मिर्च। और ये देखे टमाटर हैं, ये देखे इतने नरम हैं कि अभी अभी फट जाए। ये देखे हाथ लगाती हूँ ना, ये देखे टमाटर धनिया साज मिर्च उन्होंने 40 रुपए लगाए। अभी ये देखे फट जाए ऐसे लगता है। और आलू आलू कैसे है पता है 80 रुपए आधा किलो के, यानी कि 160 रुपए किलो। इतनी महंगाई हो गई है क्या करें तो प्यारे बहन भाई, करें तो करें क्या, हकुमत का कुछ हाल नहीं हकुमत तो। वो तो मजे कर रहे हैं, उनको उनका क्या है। हाँ जी उन्होंने सब तो, कुछ खराब कर दिया है ना। वो तो मजे कर रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वो मिली है कुर्सी कुर्सी मिली है। हाँ जी तो प्यारे दोस्तों गपशप करते हैं और आपकी आंटी बना रही हैं। हाँ जी मैं तड़का लगाती हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ जिशान से आने से पहले मुझे खाना बनाना चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों जिशान से कितनी डरती हैं। हाँ जी मेरी कोई फिक्र नहीं है इसको। नहीं, मैं जिशान से कितनी डरती हूँ। आप कहते हैं ना मैं आपकी फिक्र करती हूँ, क्योंकि फिर वो तो चले जाते हैं, उनको तो टाइम पर खाना नहीं मिलता। फर्क है सारा दिन, बच्चियां भी बेचारी सारा दिन ऐसे ही। एक बच्ची का लेक्चर 12:30 बजे खत्म हो जाता है और दूसरी का 3:30 बजे खत्म होता है। और जिशान भी चलो आज तो जिशान ने जुमा की नमाज अदा की होगी, जुमा भी पढ़ा होगा तो इसलिए वो बैठा रहा। तो जो दूसरी बच्ची है ना वो काफी ज्यादा भूख की, यानी उनको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। वो कैमरामैन था ना इसलिए। हाँ जी कैमरामैन। तो आज वो 3:30 बजे बैठी होगी, पता नहीं कैसे गुजारा करती है। मैंने उसे कहा था कि यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर हम उनको खाने पीने के लिए दें भी तो वहाँ चीजें बहुत ही ज्यादा खराब है। यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती ना, ज्यादातर नहीं मिलती, पर काफी ज्यादा महंगी होती है। क्या तो चलो फिर बनाओ है और थोड़ा सा ये बनाकर ना फिर खाने पे मिलती है। ठीक है बिस्मिल्लाह दी बरकात। पानी तो ले आना। तो पहले पानी ले आओ ठीक है, फिर मैं खाना खाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों शाम के साए ढाल चुके हैं, यानी इस वक्त तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक फिर काम करना पड़ता है और आपको दिखाते भी रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अक्सर मेरे बहन भाइयों ने कहा है कि अंकल आप सुबह का व्लॉग बनाएं, सुबह आप क्या करते हैं सुबह। तो नमाज़ पढ़ कर तो शुरू होते हैं, बस जो दिखाने की चीज़ होती है वही दिखाते हैं और बाकी अल्लाह ताला की रहमत है, चल रहे हैं इंशाअल्लाह। आपकी आंटी आ चुकी हैं, यहाँ रखो, आपने खाना है? हाँ इधर बैठो। तो जीशान और बच्चे अभी आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह। और खाना अभी नसीब हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नसीब तो हुआ है। आज बनाए हैं जी आलू और चिकन, ये देखें आलू और चिकन। तो आज चिकन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों खाना खाते हैं और आखिर में हम आपसे वही गुजारिश करना चाहते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, तंदुरुस्ती दे सेहत दे और हमेशा तरक्की करें। आपने हमारा साथ देना है इंशाअल्लाह। तो जीशान और उनकी बहन भाई आ चुके हैं, हमें दीजिए इजाज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।